क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा कैमरा कितना छोटा है और ये किस काम के लिए यूज होता है? क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्ट कौन सा है और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी ह्यूमन को उसकी बराबरी करने के लिए कहा जाए तो ऐसा होगा जैसे कोई ह्यूमन एक एरोप्लेन को खींच रहा हो। इस वीडियो में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में एक रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन कोई भी 5 बजे के बाद यूज नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग मानते हैं कि ये रेलवे स्टेशन हॉन्टेड यानी भूतिया है और लोग वहां पर नहीं जाते थे, जिसके चलते ये रेलवे स्टेशन 42 सालों तक बंद पड़ा रहा। और जब इसे दोबारा ओपन कराया गया तो भी लोगों के दिल में भूतिया रेलवे स्टेशन का डर बना रहा। तो लोग इस रेलवे स्टेशन को यूज तो कर रहे हैं लेकिन शाम 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन का यूज होना बंद हो जाता है, यानी कि लोग वहां आना बंद हो जाते हैं। और इस रेलवे स्टेशन का नाम है बेगुन कोडोर। फैक्ट नंबर 11, आपके घर में चूहे तो होंगे जो आपके घर में रहकर आपके घर का सामान, कपड़े और काफी सारी चीजें काट देते हैं, तो आप उन्हें पकड़ने के लिए क्या करते हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए माउस ट्रैप का यूज करते हैं। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, और माउस ट्रैप में पकड़ कर उन्हें घर से दूर छोड़ आते हैं। पर एक बार क्या हुआ कि एक आदमी के घर में एक चूहा घुस गया और वो आदमी उस चूहे से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उस आदमी ने उस चूहे को पकड़ लिया। मुझे नहीं पता उसने कैसे पकड़ा, बस पकड़ लिया। तो उस आदमी ने चूहे को पकड़कर एक जलती हुई पत्तियों के ढेर में फेंक दिया। रुको रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ आदमी का बदला था, अभी चूहे का बदला बाकी है। तो वो चूहा जलती हुई हालत में उस आदमी के घर में घुस गया, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा घर जल गया। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं ये जो चूहे होते हैं जो पालते हैं ना लोग, कई बार पालतू चूहे, अगर आप उनको गुदगुदी करोगे, जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं कि चूहों के भी गुदगुदी होती है, और अगर आप चूहों के डेली गुदगुदी करोगे तो चूहा अगली बार जब भी आपको देखेगा तो आपको देखकर हंसने लगेगा। जैसे हम ह्यूमन हंसते हैं वैसे नहीं, बस वो अपने हिसाब से हंसते हैं। फैक्ट नंबर 9, आप सभी लोग ये जानते होंगे ये जो जिराफ होता है ये शाकाहारी होता है और काटता भी नहीं है, और इतना बड़ा जानवर होने के बाद भी ये शेर से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, जिसकी वजह से शेर इसका शिकार कर लेता है। तो ये शेर से कैसे बचता है? जैसे कि जंगली भैंसे होते हैं ना, जब शेर जंगली भैंसों का शिकार करते हैं तो उस जंगली भैंसों के पास सींग होते हैं जिससे वो शेर को मारकर दूर हटा सकते हैं और बच जाते हैं। पर जिराफ के पास ऐसा क्या है? तो जिराफ के पास उसकी लंबी टांगे हैं, वो सिर्फ सिंगल किक से, मतलब सिर्फ एक किक से शेर की खोपड़ी तोड़ सकता है या फिर रीढ़ की हड्डी भी। फैक्ट नंबर 8, कई बार क्या होता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स की फाइट हो जाती है किसी न किसी प्रॉब्लम के चलते। तो ऐसी ही एक फाइट हुई थी ऑस्ट्रेलियन आर्मी और ईमू के बीच। और अगर आप ईमू के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, ईमू ऑस्ट्रेच जैसा दिखता है पर उससे थोड़ा छोटा होता है। ये लड़ाई 1932 में हुई थी ऑस्ट्रेलियन आर्मी और ईमू के बीच। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये लड़ाई ईमू ने जीती थी। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्ट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्ट है हॉर्नेट बग बीटल। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्ट है और इसका नाम दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ में भी आता है। अगर आप कभी गांव वाले इलाके में गए हो तो आपने इसे जरूर देखा होगा, और कई बार ये खाली मैदानों में भी देखने को मिल जाते हैं। ये अपनी बॉडी का 1141x यानी कि 1141 गुना अपने वजन से ज्यादा खींच सकते हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके का है जैसे एक 70 किलो का आदमी 80,000 किलो वजन खींच रहा हो, मतलब एक 70 किलो के आदमी को एक एरोप्लेन खींचने के लिए बोला जाए। ये तो डिस्कवरी चैनल खुल गया, अब जानवर और इंसेक्ट की बात अब नहीं होगी इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 6, कई बार क्या होता है कि जब कोई कमरे में एंटर करता है तो कमरे में एंट्री करते ही वो ये भूल जाता है कि वो यहाँ क्यों आया था, किस काम के लिए आया था। ये चीज कई बार आपके साथ भी हुई होगी, जैसे ही आपने रूम में एंटर किया होगा तो आप ये भूल गए होंगे कि आप यहाँ आए क्यों थे। तो एक सर्वे से ये देखा गया है जैसे ही आप दरवाजे से एंटर करते हैं तो आपकी मेमोरी लैप्स हो जाती है। यही कारण है जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो हम वहाँ भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए क्यों थे। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि एक आंकड़े से देखा गया है कि पूरी दुनिया में जितना गोल्ड यानी कि सोना है उसका 12% सिर्फ इंडियन हाउसवाइफ के पास है। फैक्ट नंबर 4, आपने दुनिया की सबसे बड़ी दीवार के बारे में तो सुना होगा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका एंड कैसा दिखता होगा? तो ये देखो, ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एंड पॉइंट। फैक्ट नंबर 3,
क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 8,300 करोड़ स्ट्रॉस फेंक दिए जाते हैं। तो इसी वजह से, ताकि स्ट्रॉस से पोल्यूशन कम हो और प्लास्टिक कम से कम यूज हो, तो एक लड़के ने ट्रांग मिंग टिंग नदी के किनारे बनी घास से पानी के स्ट्रॉस बनाने शुरू कर दिए, जिससे पोल्यूशन कम हो और प्लास्टिक कम से कम यूज करी जा सके। और अब इसने उसे फुल टाइम बिजनेस बना लिया है। फैक्ट नंबर 2, कई लोगों के घर के अंदर बेसमेंट होता है, पर ऑस्ट्रेलिया में कूबर पैडी नाम का एक शहर है, यहाँ ज्यादातर लोगों के घर बेसमेंट के अंदर है। यानी कि यहाँ करीब 3,500 लोग हैं जिनके घर जमीन के अंदर हैं, मतलब अंडरग्राउंड घर है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा कैमरा कैसा दिखता है? तो ये है दुनिया का सबसे छोटा कैमरा, और ये कैमरा एक रेत के दाने जितना है, और इसका यूज ज्यादातर मेडिकल फील्ड में होता है, जो कि डॉक्टर करते हैं। वो लोग इसका यूज नसों में डालकर करते हैं, वो लोग इसका यूज स्पाइनल इंजरी, कार्डियोलॉजी और गायनेकोलॉजी के पेशेंट के लिए करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।